रामपुर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने और बोर्ड के विवाद में हुए बवाल में दलित छात्र की फायरिंग में मौत के मामले में एक्शन हुआ है। 4 पुलिस वाले समेत 25 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छात्र की फायरिंग में मौत के मामले में कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। डॉक्टर उदित राज ने कहा है कि वहां रामराज नहीं मनुराज चल रहा है। कांग्रेस ने यूपी की भाजपा सरकार पर इसे लेकर हमला बोला है। कांग्रेस ने बड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि राज्य में दलित पिछड़ों महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। कांग्रेस के असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स तथा कर्मचारी संगठन के प्रमुख डॉक्टर उदित राज ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा का रामराज पिछड़ों दलितों महिलाओं और आदिवासियों के लिए मनुराज है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में कुछ अधिकारी पुलिस फोर्स और दबंगों के साथ पहुंचे थे, जहां दलित छात्र सुमेश कुमार की हत्या कर दी गई। उनकी गलती यही थी कि ये गड्ढे को पाटकर बाबा साहेब का बोर्ड लगाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में इस तरह का जुल्म जारी है। राज्य में कई सालों बाद करीब 60,000 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी। इस भर्ती का पेपर लीक करा दिया गया ताकि रेगुलर भर्ती ना हो सके और लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद भर्ती ना किया जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार सरकारी नौकरियों की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जब दलित पिछड़े वर्ग के छात्र शासन प्रशासन में आते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। हमारी मांग है कि रामपुर में दलित छात्र की हत्या के मामले में जांच हो, दोषियों पर सख्त एक्शन हो, क्योंकि एसडीएम की मौजूदगी में गोली मारा जाना स्टेट टेररिज्म है। अब रामपुर में क्या हुआ था ये भी बता देते हैं। रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र से सिलई बड़ा गांव में मंगलवार शाम ग्राम समाज की जमीन पर अंबेडकर का बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हो गया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से 10वीं के छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने साफ किया कि रात करीब 3 बजे 4 पुलिस वाले समेत 25 पर केस दर्ज करने के बाद मामला किसी तरह शांत किया गया। मिलक कोतवाली क्षेत्र के सिलई बड़ा गांव में गंगवार और जाटव समाज के कुछ लोगों के बीच सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि 15 दिन पहले प्रशासन ने अवैध कब्जा हटवा दिया था। करीब 10 दिन पहले संबंधित जमीन पर डॉक्टर अंबेडकर का बोर्ड लगा दिया गया था, जिसकी गंगवार समाज के कुछ लोगों ने फिर शिकायत की। मंगलवार को इसी शिकायत पर बोर्ड हटवाने के लिए राजस्व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। करीब 4:30 बजे जब टीम ने फोर्स की मौजूदगी में कब्जा हटवाने का प्रयास किया तो वहां पथराव होने लगा। इससे एसडीएम तहसीलदार समेत राजस्व टीम पीछे हटने लगी। आरोप है कि इसी बीच पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से 17 साल के सुमेश पुत्र गेंदन लाल की मौत हो गई। सुमेश हाईस्कूल का छात्र था। फायरिंग और पथराव में रमन पुत्र वीर सिंह और रहीस पाल पुत्र ओमकार घायल हो गया। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसडीएम प्रशासन लालता प्रसाद शाक और एसपी राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे, आक्रोशित परिजनों को समझाया, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।